सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर स्वागत अभिनंदन है। और सुबह के 10 बजे की आज की जो क्लास है हमारी दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जैसा कि हमने नोटिफिकेशन में भी दिया था दोस्तों कि ये क्लास केवल लाइव चलेगी, अर्थात लाइव के बाद क्लास नहीं रहेगी। मतलब ये दोस्तों कि जितनी देर लाइव चलेगी उतनी देर ही क्लास रहेगी, क्योंकि हमने बताया कि टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसकी वजह से क्लास जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी और केवल लाइव चलेगी दोस्तों, तो उस पर अपलोड नहीं हो पाएगी। ठीक, तो इसलिए आप लोग एडजस्ट करिएगा दोस्तों, पूरी क्लास देखिएगा और हो सकता है कि इसकी पीडीएफ आपको न मिल पाए दोस्तों, तो इसे नोट्स हमारे साथ आप बनाते चलिएगा, नोट्स आप हमारे साथ बनाते चलिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, और आज की क्लास में हम लोग दोस्तों रूल देखेंगे। आज की क्लास में हम लोग रूल देखेंगे, और अगला रूल हमने पहली क्लास में दोस्तों कुछ रूल देखा था, दूसरी क्लास में कुछ रूल देखा था। हमने कहा दोस्तों कि आप हमारे साथ बने रहिए, उसके बाद आप चाहे जो भी एग्जाम दीजिए, वन डे एग्जाम का, 10+2 लेवल का, चाहे जितना एग्जाम देंगे, हर एग्जाम में आपको यहां से मिल जाएगा दोस्तों। 10+2 लेवल में चाहे आप नेवी का दीजिए, चाहे आप SSR का दीजिए, चाहे आप एयरफोर्स का दीजिए, यहां तक कि दोस्तों अगर आप CHSL की भी देते हैं तब भी आपको इंग्लिश आपको इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे दोस्तों, आज का अपना अगला रूल देखेंगे दोस्तों, आज का अपना रूल देखेंगे। और रूल नंबर एक आज में क्या रहेगा देखिएगा दोस्तों, जैसे आप कुछ वर्ड देखे होंगे दोस्तों, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ, दो चीज होता है दोस्तों। एक होता है ए नंबर ऑफ, एक होता है दोस्तों ए नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ का मतलब होता है दोस्तों बड़ी संख्या में। ठीक, ए नंबर ऑफ का मतलब होता है दोस्तों बड़ी संख्या में, अर्थात ज्यादा मात्रा में। तो ए नंबर ऑफ के साथ, ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा, ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं दोस्तों, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्तों अगर आपको कहीं भी ए नंबर ऑफ मिल जाएगा दोस्तों, तो ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। मैं आपका कमेंट देख रहा हूं, ईशान, आशीष, अभिषेक, रौनक, नीरज, आप सबका कमेंट मैं देख रहा हूं। कोई बात नहीं दोस्तों, बने रहिए और लाइक करते रहिए। एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों, एक बार लाइक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों हम लोग जो देखेंगे, पहला रूल है दोस्तों ए नंबर ऑफ। अगर आपको सेंटेंस में ए नंबर ऑफ मिल जाए, जैसे ए नंबर ऑफ कैंडिडेट, ए नंबर ऑफ कैंडिडेट का मतलब बहुत सी संख्या में कैंडिडेट या आवेदक आर कमिंग दोस्तों, आ रहे हैं, इसमें क्या होगा? तो सही है दोस्तों, कोई गलत नहीं है। ठीक है मोहित, इसकी आज पीडीएफ इसकी हो सकता है ना मिले, आप इसको जो है लिख लीजिएगा, हमारे साथ लिखते चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है मोहित। सुनिएगा दोस्तों, अगर ए नंबर ऑफ लिखा है, जैसे ए नंबर ऑफ कैंडिडेट इज कमिंग, ए नंबर ऑफ कैंडिडेट इज कमिंग दोस्तों, तो आप कहेंगे ए नंबर ऑफ कैंडिडेट, अर्थात कैंडिडेट को आप देखेंगे, कहेंगे सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा है, अर्थात सही है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, केवल आपको ए नंबर ऑफ देखना है, अर्थात दोस्तों अगर आपको ए नंबर ऑफ मिल जाएगा, केवल आप ए नंबर ऑफ देखिए, अगर आपको ए नंबर ऑफ मिल जाएगा तो फिर पूरा सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है। इसको देखने के बाद सीधा आप हेल्पिंग वर्ब पर आइए, और हेल्पिंग वर्ब यहां पर इज है दोस्तों, यही गलत है, अर्थात हेल्पिंग वर्ब क्या होगी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब आर होगी। जैसे दोस्तों ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियन, ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, ठीक, ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हैज बीन फाउंड इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम, हैज बीन इन्वॉल्व्ड This has been involved
इन दिस स्कैम। यही है दोस्तों, यही है, देख लीजिए। ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस हैज बीन फाउंड इन्वॉल्व्ड इन दिस स्कैम। ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस, बहुत सारे नेता, हैज बीन फाउंड माने पाए गए, इन्वॉल्व मतलब सम्मिलित दिस स्कैम, इस घोटाले में। तो दोस्तों हम क्या देख रहे हैं, हमने देखा दोस्तों, हमने बताया कि अगर आपको वाक्य में क्या मिल जाए दोस्तों, ए नंबर ऑफ मिल जाए, बस केवल आपको यही देखना है। अगर वाक्य में दोस्तों ए नंबर ऑफ मिल जाएगा तो यहां पर दोस्तों जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो प्लूरल लगेगी, अर्थात हैज बीन ना होकर के क्या हो जाएगा, हैज बीन ना होकर के हैव बीन हो जाएगा। तो रूल नंबर एक यही है दोस्तों कि ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए दोस्तों, मैंने कहा कि आज की हो सकता है पीडीएफ ना मिले आपको। आगे देखते हैं दोस्तों, रूल नंबर दो देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। रूल नंबर दो देखिए दोस्तों, सेम टू सेम इसी की तरह है लेकिन इसका उल्टा है दोस्तों। सेम टू सेम इसी की तरह है लेकिन इसका उल्टा है, मतलब क्या दोस्तों, मतलब ये कि जहां पर ए नंबर है दोस्तों यहीं पर रहेगा द नंबर ऑफ। कंफ्यूजन यहीं पर होती दोस्तों, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। अगर द नंबर ऑफ रहेगा तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। दो चीज हमने बताया दोस्तों, एक बताया ए नंबर ऑफ, एक बताया द नंबर ऑफ। तो अगर ए नंबर ऑफ रहेगा दोस्तों तो उसके साथ प्लूरल लगेगा, लेकिन अगर द नंबर ऑफ रहेगा तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और द नंबर ऑफ का मतलब होता है की संख्या, द नंबर ऑफ का मतलब होता है दोस्तों की संख्या, क्या होता है की संख्या। और ए नंबर ऑफ का मतलब होता है दोस्तों बहुत संख्या या बड़ी संख्या। द नंबर ऑफ मतलब की संख्या, या फिर दोस्तों कह दिया जाए द नंबर ऑफ बुक्स, द नंबर ऑफ बुक्स इन माई लाइब्रेरी, ठीक, द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर 500। अब बच्चे देखेंगे दोस्तों तो कहेंगे कि द नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर 500, तो कहेंगे बुक्स अर्थात कई सारी किताबें हैं, चूंकि लाइब्रेरी में कई सारी किताबें रहती हैं तो कहेंगे कई सारी किताबें हैं, अर्थात यहां पर आर है, अर्थात सही है, इसमें नो एरर है। लेकिन दोस्तों बच्चे ये चीज भूल जाएंगे कि आगे लिखा है द नंबर ऑफ, तो याद रखिएगा दोस्तों द नंबर ऑफ मतलब होता है की संख्या, तो द नंबर ऑफ बुक्स मतलब किताब की संख्या दोस्तों, और किताब की संख्या इन द लाइब्रेरी दोस्तों लाइब्रेरी में 500 है, किताब की संख्या यानी कि लाइब्रेरी में किताब की संख्या 500 है। तो इसका मतलब दोस्तों यहां पर आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, यहां पर आर नहीं होगा दोस्तों, इज हो जाएगा। तो याद रखिएगा दो चीज हम बताया, हमने बताया एक ए नंबर ऑफ बताया, एक द नंबर ऑफ बताया। अगर द नंबर ऑफ रहेगा तो द नंबर ऑफ का मतलब यह हुआ दोस्तों कि की संख्या, और अगर ए नंबर ऑफ रहेगा तो ए नंबर का मतलब बहुत सी संख्या, ए नंबर ऑफ पीपल बहुत सारे लोग, ए नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस बहुत सारे राजनेता, ए नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत सारे आवेदक। तो ये चीज है दोस्तों। लेकिन अगर भाई द नंबर ऑफ कर दिया जाए तो द नंबर ऑफ बुक्स किताबों की संख्या, द नंबर ऑफ पीपल लोगों की संख्या, द नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस राजनेताओं की संख्या। तो दोस्तों अगर द नंबर लिख जाए, द नंबर ऑफ मिल जाए, तो उसके साथ हमेशा याद रखिएगा कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिए दोस्तों, किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट करिए, बताइए समझ में आया कि नहीं। द नंबर ऑफ और ए नंबर ऑफ, बताइए दोनों चीज समझ में आई कि नहीं दोस्तों, दोनों चीज समझ में आई कि नहीं। जैसे अगले रूल पर चलते हैं दोस्तों, रूल नंबर तीन देखते हैं क्या है आज का।
रूल नंबर 3 देखते हैं दोस्तों आज का क्या है, देखिएगा। रूल नंबर 3 में सुनिए दोस्तों, जैसे अगर आपको मिल जाए समवन, एनीवन, क्या क्या बोल रहा हूं सुनिएगा, समवन, एनीवन, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीवन, एवरी ईच, आइदर, सुनिएगा दोस्तों, एवरी ईच ईदर नीदर समवन एनीवन एनीबॉडी नोबॉडी, ठीक। अगर दोस्तों ये सब मिल जाए, अगर दोस्तों इसमें से कोई भी मिल जाएगा तो इसके साथ जब किसी वाक्य का सब्जेक्ट हो, मतलब अगर जो है ये सब वर्ड किसी वाक्य के सब्जेक्ट हो दोस्तों, अर्थात शुरू में लगे हो, तो वहां पर दोस्तों सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अर्थात जब जब ईच एवरी आइदर नाइदर एवरी वन एनी बॉडी नो बॉडी सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में हो, तब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं दोस्तों, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं दोस्तों। अगर आपको कहीं पर ईच मिल जाए, ब्री मिल जाए, आइदर मिल जाए, नाइदर मिल जाए, सम वन मिल जाए, नो बॉडी मिल जाए, सम बॉडी मिल जाए, एनी बॉडी मिल जाए, नो या फिर दोस्तों ठीक एनी वन मिल जाए, तो इसके सबके साथ हमेशा याद रखिएगा कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं दोस्तों। जैसे जैसे दोस्तों ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर कमिंग, ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर कमिंग, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की आ रहे हैं दोस्तों। तो अब आप सोचेंगे दोस्तों कि ईच बॉय एंड ईच गर्ल अर्थात प्रत्येक लड़का प्रत्येक लड़के अर्थात लड़के और लड़की दो लोग आ रहे हैं, और इसके साथ दोस्तों हमेशा जो है बहुवचन का प्रयोग होगा, लेकिन गलत हो जाएगा दोस्तों। हम देख रहे हैं क्या दोस्तों, ईच बॉय का मतलब प्रत्येक लड़का का मतलब एक एक लड़का दोस्तों, एक एक लड़का, प्रत्येक लड़का मतलब एक एक लड़का, प्रत्येक दिन का मतलब एक एक दिन, प्रत्येक घंटे का मतलब एक एक घंटे। तो प्रत्येक जब लग जाए किसी वाक्य में, प्रत्येक लग जाए दोस्तों, तो उसका मतलब कि वो सिंगुलर है, अर्थात दोस्तों यहां पर आर नहीं होगा, यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर ईच हो जाएगा। वही दोस्तों अगर कह दिया जाए ईच बॉयज एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़के और प्रत्येक लड़कियां, तभी आपका यहां पर सिंगुलर ही रहेगा, अर्थात ईच ही रहेगा। तो ये है दोस्तों ईच बॉय एंड ईच गर्ल आर कमिंग, तो यहां पर एरर क्या होगी दोस्तों, आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ईच हो जाएगा। जैसे एक वर्ड और देखते हैं दोस्तों, ईच ऑफ देम, ईच ऑफ देम wants to work with him. Each of them मतलब उनमें से प्रत्येक wants to work कार्य करना चाहता है with him उसके साथ। तो इसमें दोस्तों करेंगे क्या पता है, इसमें करेंगे क्या, अब चूंकि ये तो हमने सही लिख दिया है, अर्थात करेंगे क्या, यहीं पर वांट कर देंगे। तो वांट कर देंगे तो आप सोचेंगे ईच ऑफ देम, अर्थात कि देम लगा है क्योंकि बहुवचन है और इसके साथ वांट है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है, अर्थात सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों हमने कहा कि अगर आपको ईच मिल जाए, एवरी मिल जाए, आइदर मिल जाए, नाइदर मिल जाए, समवन मिल जाए, एनीबॉडी मिल जाए, नोबॉडी मिल जाए, यह सब अगर मिल जाएगा दोस्तों, तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर की तरह काम करता है, इसका मतलब यह दोस्तों सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, इसका मतलब ईच ऑफ देम वांट्स टू वर्क विथ
हिम दोस्तों। ये चीज है, कहीं कोई दिक्कत हो दोस्तों कमेंट करिए, बताइए समझ में आया कि नहीं बताइए। अगर आपको इनमें से कोई भी मिल जाएगा दोस्तों, इनमें से अगर कोई भी मिल जाएगा तो याद रखिएगा उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। ठीक, आगे चलते हैं दोस्तों। कमेंट दिख रहा है सबका, एक बार सब लोग जय हिंद लिखिए दोस्तों। समझ में आ गया हो दोस्तों तो एक बार जय हिंद लिखिए, समझ में आ गया हो दोस्तों तो एक बार जय हिंद लिखिए। दीपक कह रहे हैं सर नन वाला एक एग्जांपल बताइए। ठीक है, चलिए एक देख लीजिए। नन हैव द करेज टू डू इट। नन मतलब किसी के पास नहीं है, द करेज मतलब साहस, टू डू इट मतलब इसे करने का, किसी के पास इसे करने का साहस नहीं है दोस्तों, किसी के पास इसे करने का साहस नहीं है। नन है द करेज टू डू इट, किसी के पास इसे करने का साहस नहीं है। तो हमने कहा दोस्तों जब भी आपको इनमें से कुछ भी मिल जाएगा दोस्तों, अच्छा नन नहीं लिखा हूं, इसमें लिख लीजिएगा दोस्तों कहीं पर, इसमें नन भी लिख लीजिएगा। तो जब भी दोस्तों आपको इसमें से कोई वर्ड मिलेगा तो वो याद रखिएगा सिंगुलर की तरह कार्य करता है, अर्थात दोस्तों नन के साथ हैव नहीं होगा, हैज हो जाएगा, अर्थात नन हैज द करेज टू डू इट, मतलब दोस्तों किसी के पास ऐसा करने का साहस नहीं है, किसी के पास ऐसा करने का साहस नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलते हैं अगले रूल पर, चौथा रूल क्या है देखिएगा। ये सारे रूल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सारे रूल इंपॉर्टेंट है। हमने कहा दोस्तों कोई भी प्रश्न आए, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे, कोई भी प्रश्न आए दोस्तों एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने देंगे। जो मैं प्रैक्टिस देता हूं दोस्तों, देखिए एयरफोर्स में फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं, कॉमन एरर आते हैं दोस्तों, अगर कॉमन एरर का क्वेश्चन बनेगा तब भी आप कर लेंगे, फिलिंग द ब्लैंक्स का आएगा तब भी आप कर लेंगे, इंप्रूवमेंट का आएगा तब भी आप कर लेंगे, मतलब चाहे जिस तरह से पूछा जाए वो सारी चीजें आप कर लेंगे अगर आप हमारे साथ प्रैक्टिस करते हैं तब। अगर आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे, साथ साथ क्लास लेंगे दोस्तों, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी, कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देखता हूं दोस्तों बहुत कम बच्चे देखते हैं, जैसे ग्रुप में देख रहा हूं दोस्तों 200 के आसपास बच्चे हैं, लेकिन लाइव आने के लिए मुश्किल से 10 12 15 20 बस ऐसे ही। तो ऐसे काम नहीं चलेगा दोस्तों, याद रखिएगा वर्दी उन्हीं को मिलेगी, जो 10 लोग आते हैं 12 लोग आते हैं उन्हीं को मिलेगी। काहे लिए नहीं निकलते सब, इसीलिए नहीं निकलते दोस्तों क्योंकि पढ़ना नहीं चाहते। याद रखिएगा जैसे कि मैं देख रहा था दोस्तों कल शाम की जब आपकी क्लास चली थी शाम वाली रीजनिंग की, तो उसमें मात्र 2 बच्चे देख रहे थे दोस्तों। तो आखिर ऐसा क्यों था, क्योंकि आईपीएल में बिजी थे। तो दोस्तों आईपीएल यही टाइम है पढ़ने का, और इसी में आईपीएल आपका है। तो अगर आपको एक ही चीज मिलेगा, चाहे आप ज्ञान ले लीजिए चाहे आप आईपीएल ले लीजिए, तो वर्दी अगर लेना है दोस्तों तो पढ़ना पड़ेगा। याद रखिएगा जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, क्योंकि हम लोग एयरफोर्स के स्टूडेंट हैं, पढ़ना जरूरी है दोस्तों, बाकी तो सब चीजें बाद में है। जब पढ़ लेंगे जॉब मिल जाएगी दोस्तों तो आराम से फिर देखना ही है दोस्तों, चाहे आईपीएल देखिए चाहे जो देखिए। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अगले रूल पर, रूल नंबर 4 क्या है सुनिएगा, यह भी अच्छा रूल है सुनिएगा दोस्तों। चाहे आपको मिल जाए ए फ्यू, चाहे आपको मिल जाए मेनी ऑफ, चाहे आपको मिल जाए सेवरल ऑफ, चाहे आपको मिल जाए प्लेंटी ऑफ, चाहे आपको मिल जाए लॉट्स ऑफ, चाहे आपको मिल जाए ए नंबर ऑफ, चाहे आपको मिल जाए ए लार्ज नंबर, अगर इसके सबके साथ दोस्तों, इसके सबके साथ अगर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, अगर इसके सबके साथ दोस्तों सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अगर इसके सबके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है तो प्लूरल अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो आइए वर्ड लिखते हैं दोस्तों, आइए वर्ड लिखते हैं और देखते हैं कौन कौन सा वर्ड है दोस्तों।
आइए हम वर्ड लिखते हैं दोस्तों, कौन कौन सा वर्ड है देखिएगा, ए फ्यू ऑफ, मेनी ऑफ, ऑल ऑफ, सिवरल ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, रिस्ट ऑफ, लॉट्स ऑफ, इन नंबर ऑफ, ठीक, के साथ यदि प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। दोस्तों ये है रूल आपका, ये है रूल दोस्तों, इंपॉर्टेंट रूल है याद रखिएगा। और इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है जो आपकी परीक्षा में अर्थात एयरफोर्स की परीक्षा में पूछा जाता है, देखिए मैं टिक कर दे रहा हूं दोस्तों, ये पांच वर्ड दोस्तों मैक्सिमम पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों मैंने कहा कि आप 10+2 लेवल का चाहे जो एग्जाम दीजिए, केवल आप इतना वर्ड याद रखिए, तो अगर इस टाइप का अगर प्रश्न बनेगा दोस्तों तो इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। तो याद रखिएगा, चाहे ए फ्यू ऑफ कर दिया जाए, चाहे मेनी ऑफ कर दिया जाए, चाहे ऑल ऑफ कर दिया जाए, चाहे सेवरल ऑफ कर दिया जाए, चाहे ए नंबर ऑफ कर दिया जाए, तो इसके सबके साथ दोस्तों अगर प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का मतलब बहुवचन का नाउन है, तो उसके साथ दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जैसे दोस्तों, जैसे सेवरल ऑफ बॉयज, सेवरल ऑफ गर्ल्स लिख लीजिए, इज कमिंग। तो दोस्तों देखिए, सेवरल ऑफ गर्ल्स इज कमिंग, तो सेवरल ऑफ लिखा है और इसके साथ दोस्तों गर्ल्स लिखा है, गर्ल्स का मतलब बहुवचन नाउन है, बहुवचन है ना, गर्ल्स लड़कियां, तो बहुवचन है दोस्तों, तो हमने कहा बहुवचन रहेगा तो यहां पर बहुवचन आएगा अर्थात आर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, एक प्रश्न तो आपका कॉमन एरर से अगर पूछा जाता है तो इस तरह बन जाएगा, या फिर दोस्तों फिलिंग द ब्लैंक्स का रहेगा तो फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या करेंगे पता है, यहीं पर डॉट डॉट कर देंगे और चार विकल्प देंगे, इज, आर, हैज, नन ऑफ दीज, चार विकल्प दे देंगे दोस्तों और कह देंगे फिलिंग द ब्लैंक्स। तो चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स में पूछा जाए, चाहे कॉमन एरर में पूछा जाए, चाहे इंप्रूवमेंट में पूछा जाए दोस्तों, आपको वो आना चाहिए दोस्तों, अर्थात गर्ल्स है, बहुवचन लगेगा अर्थात यहां पर हो जाएगा क्या, आर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत है दोस्तों बताइए, कहीं कोई दिक्कत है, जैसे एक वर्ड और लेता हूं मैं, एक वर्ड और देखिएगा दोस्तों, मेनी ऑफ द चिल्ड्रेन हैज गॉन, मेनी ऑफ द चिल्ड्रेन, तो मेनी ऑफ के साथ दोस्तों चिल्ड्रेन लगा हुआ है। आप कुछ लोग सोच रहे होंगे सर चिल्ड्रेन जो है एक वचन है एक बहुवचन, आप लोग कमेंट करिए दोस्तों बताइए चिल्ड्रेन एक वचन है एक बहुवचन, कमेंट करिए दोस्तों, अभी तक किसी कमेंट नहीं आया, कमेंट करिए बताइए कि चिल्ड्रेन एक वचन है या बहुवचन है, कमेंट करिए आप लोग, चिल्ड्रेन एक वचन है एक बहुवचन है। दोस्तों चिल्ड्रेन का मतलब होता है बच्चे, बच्चे का मतलब कई सारे बच्चे, तो ये आपका बहुवचन है दोस्तों। और हमने कहा कि अगर इनके सबके साथ दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन रहेगा तो हमेशा याद रखिएगा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इसका मतलब यहां पर हैज नहीं होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, हैव गॉन, मतलब बहुत सारे बच्चे हैव गॉन जा चुके हैं, बहुत सारे बच्चे जा चुके हैं। तो ये है दोस्तों, ये था हमारा रूल नंबर चार, और रूल नंबर चार में था दोस्तों कि अगर इसके सबके साथ दोस्तों प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो वहां पर हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, अगर इसके सबके साथ सिंगुलर हेल्प काउंटेबल नाउन का प्रयोग होगा तो वहां पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जो आपका रूल नंबर पांच है दोस्तों। रूल नंबर पांच क्या है सुनिएगा, केवल थोड़ा सा डिफरेंस है, चार और पांच, रूल नंबर चार और पांच में दोस्तों थोड़ा सा अंतर है।
वो क्या अंतर है सुनिएगा। इसी में दोस्तों एक वर्ड और लिखिए, इसी में एक वर्ड और लिख लीजिए केवल, ए लिटिल। इसी में एक वर्ड केवल और लिख लीजिए, ए लिटिल ऑफ के साथ यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। बस याद रखिएगा, ए लिटिल ऑफ इसमें और जोड़िएगा दोस्तों, ए लिटिल ऑफ और जोड़ दीजिएगा, ठीक, ए लिटिल ऑफ और जोड़ दीजिएगा, बाकी सारी चीजें यही रहेंगी दोस्तों। ए लिटिल ऑफ और जोड़ दीजिएगा और उसके साथ दोस्तों सिंगुलर, रुक जाइएगा, अच्छा काउंटेबल लिख दिया हमने, सिंगुलर अनकाउंटेबल रहेगा, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन रहेगा। अनकाउंटेबल का मतलब जिसे गिना ना जा सके दोस्तों, जैसे पानी, पानी दोस्तों गिन सकते हैं आप? नहीं गिन सकते। चीनी आप गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। तो जिसको आप गिन नहीं सकते दोस्तों, अगर इसके साथ वो चीज रहे, जैसे जैसे दोस्तों ए लिटिल ऑफ नॉलेज, ए लिटिल ऑफ नॉलेज, तो ए लिटिल ऑफ नॉलेज लिखा है दोस्तों, ए लिटिल ऑफ और इसके साथ नॉलेज है, क्या नॉलेज को आप गिन सकते हैं कि एक ज्ञान, दो ज्ञान, तीन ज्ञान, बताइए दोस्तों, कमेंट करिए, क्या आप ज्ञान नॉलेज को गिन सकते हैं? तो नहीं गिन सकते दोस्तों, इसीलिए यहां पर इज लगेगा, इज डेंजरस। ए लिटिल ऑफ नॉलेज मतलब कम ज्ञान, छोटा ज्ञान, अधूरा ज्ञान, इज डेंजरस मतलब खतरनाक होता है। ए लिटिल ऑफ नॉलेज इज डेंजरस, खतरनाक है, कम ज्ञान दोस्तों खतरनाक होता है। उसी तरह अगर हम कह दें सम ऑफ सुगर, सम ऑफ सुगर, तो सम ऑफ मतलब कुछ, सुगर तो सम ऑफ के साथ हमने कहा दोस्तों, यहां पर देखिए सुगर लिखा है, क्या आप चीनी को गिन सकते हैं? तो कुछ लोग कहेंगे कि हां सर जी चीनी को गिन सकते हैं, एक चीनी, दो चीनी, तीन चीनी, क्या ऐसे गिनते हैं क्या? वो तो चीनी का दाना गिनते हैं दोस्तों, चीनी नहीं गिनते, तो अर्थात इसको गिन नहीं सकते। और जब गिन नहीं सकते दोस्तों, तो याद रखिएगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन में आएगा और सिंगुलर काउंटेबल के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो सम ऑफ सुगर इज डर्टी, कुछ चीनी दोस्तों गंदी है, कुछ चीनी गंदी है। तो ये है दोस्तों, जैसे ऑल द मनी आर स्पेंट, तो कुछ लोग सोचेंगे दोस्तों ऑल द मनी सारा पैसा आर स्पेंट खर्च हो गया, अर्थात सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन एरर है दोस्तों, क्यों एरर है? क्योंकि देख रहे हैं ऑल द के साथ मनी लगा है, अर्थात मनी को दोस्तों, मनी को हम गिन सकते हैं, यानी कि ऑल द मनी इज स्पेंट, सारा पैसा दोस्तों क्या हो गया, खर्च हो गया, ऑल द मनी इज स्पेंट, ये आपका अपवाद में रहेगा, ऑल द मनी आपका, ठीक, ऑल द मनी इज स्पेंट, सारा पैसा दोस्तों खर्च हो गया। तो ये दोस्तों आज का रूल था, हमने पांच रूल देखा। आइए हम इस पे कॉमन एरर पर चलते हैं और आप लोग बताइएगा दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि इसमें जो है कहां पर क्या गलत रहेगा। आइए कॉमन एरर पर चलते हैं दोस्तों और आप लोग बताइएगा कहां पर क्या गलत रहेगा। जैसे दोस्तों चलिए कॉमन एरर पर चलते हैं एक बार जल्दी से दोस्तों, जय हिंद लिखिए। एक बार जल्दी से जय हिंद लिखिए। चलिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर लगा है माय ब्रदर टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स हैव डन दियर बेस्ट टू गेट दिस जॉब, पहला और दूसरा आपकी स्क्रीन पर लगा होगा दोस्तों, पहला और दूसरा आपकी स्क्रीन पर लगा होगा। आप बताइए पहले वाले में बताइए क्या क्या होगा, पहले वाले में बताइए दोस्तों माय ब्रदर टुगेदर विथ का प्रयोग किया गया है, टुगेदर विथ का प्रयोग किया गया है दोस्तों, पहले वाले में बताइए क्या होगा। तो दोस्तों देखिए अभी तक किसी ने जवाब नहीं किया,
अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया दोस्तों, बताइए। माई ब्रदर मतलब मेरा भाई, टूगेदर विथ हिज फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, हैव डन देयर बेस्ट टू गेट दिस जॉब। दोस्तों तो हमने कहा था टूगेदर विथ, एलॉन्ग विथ, एज डॉट एज, इसके सबके साथ दोस्तों जो स्टार्टिंग में रहता है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगती है, अर्थात इसके साथ दोस्तों जो हैव डन लिखा है बी पार्ट में आपका एरर हो जाएगा, वो हो जाएगा हैज डन देयर बेस्ट टू गेट दिस जॉब। दूसरे वाले बताइए क्या होगा। अच्छा, ए नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस चैलेंजिंग कॉन्टेस्ट, बताइए दोस्तों। दूसरे वाले में बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, दूसरे वाले के लिए ए नंबर ऑफ लिखा है हमने, बताया दोस्तों ए नंबर ऑफ अगर रहेगा तो ए नंबर ऑफ को मतलब बड़ी संख्या में, अर्थात उसके साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगी। वहीं दोस्तों अगर द नंबर ऑफ रहेगा, द नंबर ऑफ को मतलब सिंगुलर दोस्तों, अर्थात की संख्या, तो द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर और ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल। तो यहां पर देख रहे हैं दोस्तों, ए नंबर ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैव पार्टिसिपेटेड, अर्थात दोस्तों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरे वर्ड पर देखिए दोस्तों, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियस वर्कर्स, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रियस वर्कर, तो देखिए द नंबर ऑफ आ गया। हमने कहा दोस्तों ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ के साथ प्लूरल, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर। तो यहां पर दोस्तों जो है बीन है वो है बीन नहीं होगा, क्या हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा। जो है बीन है दोस्तों वहां पर है बीन नहीं होगा, हैज बीन हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमने आज तीन वर्ड देखे, हमने प्रैक्टिस भी कर ली। तो आज दोस्तों चूंकि मैंने कहा कि पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगी, तो इसीलिए जो है आज यहीं पर रोकेंगे दोस्तों। और याद रखिएगा, आज जो अभी क्लास चलेगी आपकी, अर्थात 12 बजे दोस्तों, 12 बजे जो आज आपकी क्लास चलेगी जीएस की, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, वो भी क्लास दोस्तों लाइव ही रहेगी, ठीक। तो इसलिए उसमें आना ना भूलिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों अगली क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।